कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा एम आधार ऐप के ऊपर। एम आधार ऐप क्या है? एम आधार ऐप में ऐसे ऐसे क्या बेनिफिट दे रखे हैं जो आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में यही सीखेंगे क्या क्या उसके अंदर बेनिफिट दिए गए हैं और एम आधार ऐप को कैसे आपको यूज करना है, कैसे आप उसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर बेनिफिट दिए गए हैं जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। मैं मोहन, टेक्निकल मोहनला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। नई वीडियो नई टेक्निक के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये रेड कलर का बटन नजर आ रहा है सब्सक्राइब और बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ऐसी ही टैक और ऐसी भी इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेने के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, कैसे हम एम आधार ऐप को यूज करेंगे और उसके अंदर क्या क्या ऐसे बेनिफिट दिए गए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं अपनी ऐप के तरफ वहाँ और अपनी एम आधार ऐप को ओपन करते हैं, कैसे कैसे उसके अंदर बेनिफिट दिए। तो फ्रेंड, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड आप डाउनलोड कर लेते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको डायरेक्ट ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपको अलाउ मांगेगा, परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ करेंगे कुछ टाइम ये लोड लेगा, लोड होने के बाद आपके सामने देख लीजिए इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आपको स्लाइड करके आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सिक्योर ऐप है और ऑफिशियल ऐप है। इतना करने के बाद फ्रेंड नीचे आपको नज़र आएगा आई कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं ऊपर इंग्लिश सिलेक्ट है, आप यहाँ पे याद डालेंगे अपना आधार नंबर। तो हम पहले आपको इसके अंदर बता देते हैं क्या क्या बेनिफिट इसके अंदर दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करके नेक्स्ट करना है। जैसे ही फ्रेंड आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो हम इसके अंदर OTP डाल देते हैं। जैसे ही फ्रेंड आपने OTP डाला, OTP डालने के बाद देखते हैं ये सारा ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है रजिस्टर माई आधार। पहले हम आपको इसके अंदर सारे बेनिफिट आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट दिए गए हैं। तो फ्रेंड पहले आपको दे रखा है, देख लीजिए, डाउनलोड आधार डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है। दूसरा आपको प्रिंट आधार का दे रखा है और इसमें वर्चुअल ID का ऑप्शन भी दे रखा है, वर्चुअल ID वगैरह निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड पहले आधार पर क्लिक करते हैं। जैसे ही फ्रेंड हमने आधार पर क्लिक किया तो देख लेते हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है आधार नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल ID से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो न्यू आधार अप्लाई करते हैं उसी स्लिप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रीप्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे नॉर्मली रीप्रिंट मंगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड नहीं आया तो 50 रुपये चार्ज लगेगा आपके आधार का, ओनली आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद अपडेट एड्रेस पे जाएंगे, अपना आधार नंबर ऊपर इंटर करेंगे, नीचे कैप्चर इंटर करेंगे तो आप यहाँ से अपना आधार को अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार के एड्रेस को जो है अपडेट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये भी ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। तो हम इसको थोड़ा बैक करते हैं और आपको बताते हैं और भी क्या इसके अंदर बेनिफिट दिए गए हैं। ओनली कुछ नहीं करना अपना, और देख लीजिए नीचे आपको आपका KYC का ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन KYC पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ भी अपना अपना आधार नंबर डाल के इधर से आप अपनी ऑनलाइन KYC भी करा सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मली यहाँ से आपके अपने बैंक के अंदर अपने पोस्ट ऑफिस में जो भी है आपके नियर, यहाँ से आप फ्रेंड अपना जो है वो ले सकते हैं, अपना QR कोड स्कैन कर सकते हैं, जो भी आपका QR कोड है आपके आधार पे यहाँ से अपने आधार कार्ड का QR कोड स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड अपना जनरेट आईडी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, अपनी जो आईडी है वर्चुअल आईडी वगैरह है वो यहाँ से अपनी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपका QR कोड, अपना QR कोड आप निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं अपना QR कोड। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, नीचे कैप्चा डालने के बाद अपना QR कोड, यहाँ पर अपना जो है फ्रेंड अपना आधार नंबर वेरीफाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ से अपना आप वेरीफाई कर सकते हैं अपना आधार कार्ड नंबर और नीचे कैप्चर कोड डालेंगे अपना वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम बैक करते हैं, बैक करके आपको और भी दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा सकते हैं और नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करा सकते हैं। जैसे हमने मोबाइल नंबर पर क्लिक किया, यहाँ पर अपना जो है आधार नंबर और कैप्चर डालने के बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम इसे बैक करते हैं, उसके बाद और दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। नीचे जाते हैं तो नॉर्मली इधर आपको वर्चुअल आईडी UNID का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से अपनी आईडी यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आधार अपलोड हिस्ट्री, जो भी अपना आधार नंबर डाल के अपना कैप्चर डाल के जो भी तुमने अभी तक अपने आधार में एडिटिंग कराई है, जो भी एडिट किया है, अपलोड कराया है,
अपडेट कराया अपना आधार, वो सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पे नज़र आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड अपने आधार को जो है रिक्वेस्ट, आप नॉर्मली अपने आधार की रिक्वेस्ट यहाँ पे जो ले सकते हैं, लेटर निकाल सकते हैं अपना आधार का, ठीक है फ्रेंड। नीचे आपको स्टेटस यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका चेक स्टेटस कर सकते हैं, अपने आधार का क्या स्टेटस चल रहा है, अपडेट कराया है तो अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एम आधार ऐप के अंदर, सारी चीज़ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपके दे रखे हैं। उसके बाद फ्रेंड हम चलते हैं नीचे, बैंक लिंक का ऑप्शन भी दे रखा है फ्रेंड। अपना आधार को आप डायरेक्ट इस तरह से क्लिक करके अपने बैंक के अंदर लिंक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आधार का हमने देख लिया, ऐसे यहाँ से अपना ये आपका अपलोड आधार अपलोड स्टेट चेक कर सकते हैं स्टेटस, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद लेटर आपका, उसके बाद प्रिंट रीप्रिंट भी दे सकते हैं, और इसके बाद अपना बैंक ऐड, अपने बैंक के अंदर आधार को लिंक कर सकते हैं यहीं से अपने एम आधार ऐप से, ठीक है फ्रेंड। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इसके अंदर अपनी लोकेशन चेक करना चाहें तो अपनी लोकेशन भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप दिल्ली में कहाँ पे हैं, सारी की सारी यहाँ से लोकेशन भी आपको नज़र आ जाएगी। अब कर लेते हैं रजिस्टर, अपना रजिस्टर करते हैं। जैसे हम फ्रेंड नीचे जाते हैं, अपना पिन नंबर जनरेट करना है, अपना जो आप पिन नंबर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो हम अपना पिन बना लेते हैं। जैसे हमने पिन बनाया, यहाँ पे मांगता है आपका आधार नंबर, तो आधार नंबर पे क्लिक कर लेना है अपना। जैसे आधार नंबर क्लिक किया, आपको इधर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे फ्रेंड हमने वेरीफाई पे किया, देख सकते हैं हमारा जो है आधार प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे आधार के अंदर क्या क्या सर्विस दी जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हमने बताया आधार बेनिफिट, आज बताएंगे आपके आधार के अंदर क्या क्या बेनिफिट इसके अंदर दिए जा रहे हैं। पहले नीचे आपको नज़र आ रहा है, देख लीजिए जनरेट ओटीपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ओटीपी वगैरह में दिक्कत आती है तो यहाँ से आप नॉर्मली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ऊपर आ रहा है आपको लॉक, अपने आधार को लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपने आधार को लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको लॉक का मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड अपने फिंगर को लॉक कर सकते हो, जैसे कि आप इस पर क्लिक कर लेते हैं फिंगर वाले पे। जैसे ही हमने फिंगर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, इनेबल हो जाएगा। यहाँ से अपने अपने फिंगर को जो है, जो आप फिंगरप्रिंट से जो भी काम करते हैं वो आपके फिंगरप्रिंट यहाँ से लॉक हो जाएंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है लॉक अनलॉक, तो यहाँ से क्लिक करके आप लॉक भी करा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ पे क्लिक करके सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन जा रहा है आपका जनरेट यूआईडी, और यहाँ पे आपका क्यूआर कोड का आ रहा है, शेयर केवाईसी का आ रहा है, आपका हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, आपके अपलोड हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं वो ऑप्शन आ रहा है, सारे की सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड ये सारे बेनिफिट इस ऐप के अंदर दिए गए हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं इस ऐप का। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारा ये यूट्यूब चैनल है टेक्निकल मोहनलाल जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बराबर में हमने नीचे एक न्यू चैनल का लिंक दे रखा है जिसका नाम है मोहन गेमिंग भाव के नाम से, जिस पर हमने अभी 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। गेम से रिलेटेड वीडियो देखने का शौक रखते हैं आप तो नॉर्मली जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हमारे सेकंड चैनल का, जाइए। आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी टैक और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। वंदे मातरम।